फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट प्यारी दोस्त रिचा शर्मा। फ्रेंड, आजकल लॉकडाउन चल रहा है, हम लोग कोई भी कहीं बाहर नहीं आ जा पा रहा है, और हमारे दिल्ली में तो लॉकडाउन बहुत स्ट्रिक्ट है। आपको पता है दिल्ली है, पुणे है, महाराष्ट्र, मतलब इन सब जगह बिल्कुल कोरोना पीक पर है, तो बिल्कुल भी बाहर आना जाना बंद है और टोटली शॉप्स वगैरह सब कुछ बंद है। केवल बेसिक नीड्स की जरूरत की चीजें ही मिल रही हैं। और ब्रेड तो मैं बाजार से वही आइटम खरीदती हूँ, जैसे सब्जी हुई या पैकेट बंद कोई चीज हुई, जैसे हम अच्छी तरीके से गर्म पानी से धो सकते हैं। उसके अलावा मैं ज्यादातर चीजें नहीं खरीद रही हूँ जिन्हें धोना पॉसिबल नहीं है। तो ब्रेड भी आप जानते हैं हमारे घर में नाश्ते का एक बहुत मुख्य विकल्प है, जो डेली ही हर घर में आया जाता है। उसकी बहुत सारे व्यंजन भी बनते हैं, लेकिन इधर मैंने कुछ वीडियो फेसबुक पे देखे, व्हाट्सएप पे देखे, जिसमें कुछ गंदी मानसिकता वाले लोग उसमें अपना थूक रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो उससे इतनी घिन सी आई अंदर से। तो मैंने सोचा लाओ कोशिश करें ब्रेड बनाने के लिए, क्योंकि डेली परांठा वगैरह पूरी भी नहीं खाई जा सकती है, पोहा वगैरह कितना। तो मेरे ये प्रयास, मुझे इतनी बताते इतनी खुशी हो रही कि मेरा प्रयास बिल्कुल सफल रहा और ब्रेड बनी है। क्या बात है, मुझे खुद आश्चर्य हो रहा है कि इतनी अच्छी ब्रेड कैसे बन गई। उम्मीद नहीं थी कि इतना, मतलब सक्सेस मिल जाएगी ब्रेड जैसी चीज बनाने में। अब तो हमारे घर में ब्रेड बन हर जो वीकली या 10 दिन बाद बना ही रहे हैं हम लोग। बस उस रेसिपी को आप लोग मेरे इतने अच्छे फ्रेंड्स हो तो आपके संग शेयर करना तो बनता ही बनता है। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आने पर अपने फ्रेंड के संग शेयर भी कीजिए। और बेल दबाना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि इससे क्या होगा, मेरा वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएगा और क्योंकि नोटिफिकेशन आ जाएगा। और ये बिल्कुल फ्रेंड्स, मैंने इस कटोरी के बाप से ये 2.5 कटोरी मैदा ली है, और इसके साथ मैंने ये लिया है, ये थोड़ा सा बटर है, 2-3 चम्मच करीब रिफाइंड है, इंस्टेंट ईस्ट है, 2 चम्मच के करीब मिल्क पाउडर है, 2 चम्मच चीनी है और सॉल्ट है, और 1 कप भर के नॉर्मल वाला दूध मैंने लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस दूध में ये ईस्ट और चीनी डाल के इसको घोल बनाएंगे, जो 10 मिनट के लिए रखना होगा। तो टाइम बचाने के लिए मैंने पहले से ईस्ट को घोल के रखा हुआ है। जो आप ऊपरा स्थान देख रहे हैं ना, यही खमीर है। इस आपको चीनी और दूध में ईस्ट डाल के करना है। अब मैंने गैस के पास की जगह साफ़ करके वहाँ पे सारी मैदा पलट दी है, और इसमें ये पूरा मिल्क पाउडर डाल दिया है, 2 चम्मच मिल्क पाउडर, और ये 1 चम्मच करीब सॉल्ट इसके अंदर डाल दिया है। इसको अच्छी तरीके से मिला के अब हम इसे धीरे धीरे ईस्ट से मड़ेंगे। आपने देखा, मैंने वो जो हमने 2-3 चम्मच रिफाइंड लिया था उसको भी इसमें डाल देना है, और इसको खूब अच्छी तरह से मलते हुए हमें गूंथना है ताकि लोच आ जाए। इसका मुख्य ध्यान बस यही देना है, आप इसे सादा आटे की तरह मत गूंथिएगा कि आटा तैयार कर लिया आपने। इसको जितना ज़्यादा आप मथेंगे उतना ज़्यादा आपकी ब्रेड सॉफ्ट और फुली फुली बनेगी। इसलिए मुख्य बात यही है कि आपको इसे काफ़ी देर तक इस तरह मथना है ताकि बहुत अच्छी तरीके से लोच आ जाए। मैंने एक ये कांच की बाउल ली है, इसको अच्छी तरह से ग्रीस किया है बटर से। खूब अच्छी तरह से बटर लगाने के बाद ये जो मटेरियल है मेरा मैदा वाला, इसको मैं उठा के समेट के इसके अंदर रख दूंगी। खूब दबा देना है ताकि अंदर हवा बिल्कुल ना रहे। इसको अब हम एक गीले कपड़े से ढकेंगे और 1 घंटे के लिए किसी गर्म प्लेस में इसे ढक के मैं रख दूंगी। आप देख रहे हैं 1 घंटा हो चुका है और मैंने ये निकाल रही हूँ, मेरा कितना ज़्यादा फूल गया है। ये आपने देखा था, ये वाला मेरा बाउल आधा था उस वक्त, और अब ये पूरा भर गया। अब हम हल्के हाथ से कपड़े पर से भी इसको मैदा को हटा लेंगे, और उसके बाद इसमें हम थोड़ी सी ऊपर से सूखी मैदा बुरकेंगे और इसको एक बार फिर दोबारा से ऐसे करके दबाएंगे और लोच देंगे इसमें, और सारा इकट्ठा करके फिर दोबारा से इसे मैं स्लैब पर निकालूंगी।
क्योंकि इसमें ब्रेड में बहुत ज़्यादा लोच देनी पड़ेगी। फ्रेंड्स आई थिंक आपने ये बात सुनी होगी, तभी घर में ब्रेड बनाना आसान नहीं होता है, उसको बहुत ज़्यादा मथना पड़ता है। अब मैंने जितना ये बटर लिया था इसको भी इसमें डाल दिया है और खूब अच्छी तरीके से मथ रही हूँ मैं, ताकि ब्रेड में मेरी बहुत अच्छी तरीके से लोच आ जाए। फ्रेंड्स आप जितना ज़्यादा इसको मथेंगे उतना आपके लिए ब्रेड की अच्छी बनेगी आपकी। अब इसको मैं खूब अच्छी तरीके से आप देख रहे हैं मथने के बाद इस तरह, बल्कि आप पटक पटक के भी मतलब खूब अच्छी तरीके से। अब इसे हम इकट्ठा करेंगे, और मैंने ये कंटेनर लिया है, आप बड़ा भी ले सकते हैं। इसे मैंने बटर से ग्रीस कर दिया है, खूब अच्छी तरीके से ग्रीस करना है। और इसके बाद ये जो सारा ब्रेड का मटेरियल था इसको मैं इसके अंदर रख दूँगी। मेरे ये कंटेनर आप जैसा चाहे ले सकते हो, मेरे ये 2.5 इंची ऊंचा है, और इसके अंदर ये ब्रेड को दबा दबा के जो हमारी मैदा का आटा है इसे रख देना है। और इसके बाद फ्रेंड मैं एक छोटी सी कटोरी में 2 चम्मच दूध लूँगी और ब्रश की सहायता से इस मटेरियल के ऊपर ब्रश का एक 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 लगा दूँगी, बहुत हल्का सा, उससे भी सॉफ्टनेस ज़्यादा बढ़ती है। और इसके बाद फिर मैं एक चीज़ इसके अंदर और डालूँगी, ये मैंने लिए हैं थोड़े से वाइट तिल, और इसको भी मैं ब्रेड के ऊपर बुरक रही हूँ। ये सब ऑप्शनल है, आप चाहे तो लगाइए चाहे ना लगाइए। और इसके बाद इसको फिर आधे घंटे के लिए मैंने गीले कपड़े से, अभी देखिए ओवन में नहीं रखा है मैंने, आधे घंटे के लिए गीला कपड़ा डाल के इसे रख दी। अब ओवन को मैं प्री हीट कर रही हूँ, मैंने इसे प्री हीट करा है 200 डिग्री पे। अब ये आधा घंटा हो चुका है, इसको मैं मटेरियल को ओवन में रख देती हूँ और इसको पूरा 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे कंजक्शन मोड पर 20 मिनट के लिए हम इसे रख देंगे। ट्वेंटी मिनट हो चुके हैं फ्रेंड, लाइए हम चेक करते हैं। हमारी ब्रेड फूल तो बहुत अच्छी गई है, बट अभी कसर लग रही है इसमें, ये वाइट ही है। तो मैं इसे दोबारा से बंद कर रही हूँ और 10 मिनट के लिए दोबारा से कंजक्शन मोड पर वही सेम 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट्स के लिए रख रही हूँ। अब हम लाइए 10 मिनट हो गए, अब ब्रेड को फिर चेक करते हैं। वाह कितनी सुंदर लग रही है हमारी ब्रेड, आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल बाजार जैसी लग रही है। अब इसमें मैं दोबारा से एक बार ये दूध का एक ब्रश इसके ऊपर लगाऊंगी और फिर इसे आधे घंटे के लिए आप कपड़े को इसे ढककर छोड़ दीजिए ताकि ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, मतलब कूल हो जाए ठंडी। आधा घंटा हो चुका, हम अपनी ब्रेड को निकालते हैं। देख रहे हैं कितनी आसानी से ब्रेड मेरी निकल चुकी है, देख बिल्कुल बाजार जैसी लग रही है ना, आप विश्वास भी नहीं कर पाएंगे। आप देखिए इसको पास से कितनी सॉफ्ट लग रही है। अब हम एक शार्प वाला चाकू लेंगे और इसको नाइफ से ये धीरे धीरे इसकी स्लाइस काटेंगे। अब देख रहे हैं बिल्कुल वैसी ही लग रही है जैसे कि बाजार की होती है, कोई भी अंतर नहीं है इस ब्रेड में, ये इतनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी है कि बस। अब तो हम लोग यही करते हैं, इसका बस ये है कि अब घर में की बनाई ब्रेड कितनी हाइजेनिक होती है, सवाल ही नहीं उठता इसमें कोई मिलावट या किसी चीज़ की, और कितनी आसानी से बन गई है ये, बस देर के स्वाद की है। शुरू